तो जब दो बड़े यूट्यूबर्स लड़ते हैं तो बाकियों को क्या मिलता है? कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। हाँ भाई पब्लिक, मजे आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोवर्सीज। भैया ये कंट्रोवर्सीज क्या होता है? आपका भाई है ना बताने के लिए। कंट्रोवर्सीज कहते हैं तनाज़ा को, मतलब भड्डा, लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्कैंडल, जो भी आप बोलें। कोरोना की तरह इस मर्ज़ ने भी काफ़ी लोगों को अपनी लपेट में ले रखा है। इसकी जीती जागती मिसाल अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में ढूंढें तो आपको अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी की मिल जाती है। अगर YouTube पे देखें तो डकी भाई और शाम इदरीस की मिल जाती है। और अगर बिल्कुल निचले दर्जे पे देखें तो इस पोलियोज़दा शख्स AKA अली हैदराबादी की मिल जाती है। अब आप लोग बोलेंगे इससे इतनी जली हुई क्यों है? बोला काली लड़की क्यों? अली भाई आप सामने आ रहे हैं, आप अपना कैमरा थोड़ा साफ करें, वो डर रहा है। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि पूरी दुनिया में सपोर्ट ब्लैक लाइव्स एंड हर जात के लोगों के लिए हुकूक की बात हो रही है, मगर हमारे यहाँ कुछ रेवड़ बाकी हैं जो सस्ती शोहरत में गुम हैं। मतलब जब कोई इंसान बड़ा होता है सोचता है कि यार मैं आर्मी में जाऊँगा, मैं इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनूंगा, पर ये मखसूस बंदा कहता है कि मैं चल के दिखाऊंगा। है क्या? हाँ भाई, ये चल के दिखाएगा। चल के दिखा, चल। टैलेंट है यार, क्या टैलेंट है यार। मतलब अगर अब आपको पोलियो है तो घबराना ही नहीं है, क्योंकि पोलियो से लेके बवासीर तक सबका सहारा मौजूद है। इसलिए कहते हैं हर छोटे लस्सन को उसकी औकात से ज़्यादा इज्जत नहीं दे दिया करो, फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। खैर, बैक टू द टॉपिक, हम बात कर रहे थे तनाज़ा की। ओवर टू यू माइट। अब कंट्रोवर्सी तो बहुत होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला आवाम का है, क्योंकि वो दोनों तो लड़ लड़ा के घर चले जाते हैं, लेकिन हमारी आवाम एक दूसरे के घर से लेके गिरबान विरबान सब जगह झांक लेती हैं। क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंट्रोवर्सी से किसी एक को फ़ायदा हो। इसकी आवाम उधर जाती है और उसकी आवाम इधर आती है, लेकिन ज़्यादातर ये शोर स्टोरीज़ और वीडियोज़ पर ही नज़र आता है, क्योंकि DM में तो कोई जाएगा ही नहीं ना, अना द ईगो हर्ट होगी। वेल द शॉर्ट रिव्यू इज़ कॉन्ट्रोवर्सीज आर गुड फॉर एक्चुअली एवरी वन, मगर थोड़ा हद में घर या औजार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने फेवरेट यूट्यूबर को सपोर्ट ज़रूर करिए, लेकिन दूसरे से नफरत करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। No fucking fighting! 12 seconds later. यार इरफान जुनेजो और डकी भाई का भड्डा हो गया है ना कर। यार वाकई यार, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। उसने उसको बोला कैसे? अबे भाई, 1 मिलियन वाली आवाम पहले 2 मिलियन करो फिर पहुंचो। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर दो। और भाई अब तो गेम प्ले वीडियो भी आ गई, गेम खेलना तो है नहीं, तुमने देख ही लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तेरी औकात क्या? जगा था लोगों को मैं जैसे कॉफी, तभी तो खुदा ने मौका दिया। या तू करे रिवाइंड, या तू करे रिप्ले, या तू करे रिट्राई, या तू करे रिट्रीट। रीच करने की ट्राई, लोग करे स्नीक दिस, मेरा एक रिप्लाई और तू बने मेरी बिच। ए बिच, तुझे पता ही क्या है? हां ए बिच, ए बिच, मेरे जैसा का है।